हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को दबाया नहीं है तो दबा दीजिए नोटिफिकेशन। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी और टमाटर की सब्जी। इसके लिए हमने ये एक पाव भिंडी ली है, ये हमने प्याज लिया है जिनको लंबा बारीक काट लिया है, ये हमने टमाटर लिया है इसको भी हमने बारीक काटा है लंबे साइज़ में, ये हमने 5 लहसुन ली है जिसको हम छोटे साइज़ में काट लेंगे, 1 इंच अदरक है जो हमने कस लिया है, ये हमने 2 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमने हरा धनिया लिया है गार्निश के लिए, हम ये नमक यूज़ करेंगे, राई, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर लेंगे, और ये हम रिफाइंड ऑयल। चलिए हम गैस ऑन करते हैं। इसमें हमने ऑयल डाल लिया है गरम करने के लिए, ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है। इसमें हम राई डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसमें हम जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, राई को हम तड़कने देंगे, ये हमारी राई तड़क गई है, इसमें हम थोड़ा सा लहसुन को हम क्रश कर लेंगे, क्रश करके हम इसमें डाल देंगे, ये हमने अदरक डाल दिया, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से ये हो जाए। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, गैस हम स्लो रखेंगे, इनको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें प्याज मिला देंगे, ये हमारा प्याज ब्राउन होने तक इसको हमको अच्छे से भूनना है, ये हमारा प्याज स्लो आंच में ही हमने रखना है इसको। हमारी प्याज भुन चुकी है, इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, ये हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, और अमचूर थोड़ा सा, अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें। इसमें साथ में हम टमाटर डाल देंगे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार देख लेंगे हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं, इसमें अब हम भिंडी मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, ये हमारे टमाटर मिक्स हो गए हैं, इसमें हम 1 टेबल स्पून या फिर अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक मिलाएंगे। भिंडी में हमको थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा सोख लेता है, इसलिए हम इसमें कम नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमको ढकना नहीं है, ऐसे खुले रखना है और धीमी आंच में इसको हमको पकने देना है। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं हमारी भिंडी पक गई है और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये हमारी भिंडी तैयार हो गई है और इसको हम खड़े धनिया